क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 बेस्ड ऑन द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, राइट। वही क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं, राइट। तो देखिए, अब इस तरह के स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक लेवल से थोड़ा सा उठ के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ए लाइज एंगल ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द थ्री टेन ए माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, देन 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये हमें पता ही है कि ये फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में बोला हुआ, उसने एंगल ए लाई कर रहा है। सो दिस इज लाइंग, एंगल ए इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड बट द न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी फाइंड आउट हियर। सो टेन ए इक्वल्स हो जाएगा 4/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/3। तो इसका एक ट्राइंगल आप बना लीजिए, एंगल ए का 4/3 दिया हुआ है। सो दिस इज 4/3। अगर ये 4 और 3 हो तो डेफिनेटली ये 5 होगा। अब खाली आपको एक काम करना है कि उसकी वैल्यू निकालनी है। सो वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ 5 sin 2a, 5 sin 2a प्लस 3 sin a, 3 sin a प्लस 4 cos a, राइट। ये जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसमें इस फॉर्मूले को हम ओपन कर देंगे। sin 2a को आप चाहे तो sin 2a cos 2a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 के टर्म्स में लिख देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आ जाएगी। सो 5 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 tan a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 square a। साइन 2a का फॉर्मूला यूज कर दिया एंड प्लस 3 sin a लिखेंगे, वैसे ही 4 cos a वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो हम ये एज इट इज चला देंगे। दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 10 a। अब 10 a एंगल ए सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करा है, तो उसमें 10 पॉजिटिव ही होता है, तो जो 10 a की वैल्यू है एज इट इज यूज आ जाएगी। दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 4/3, 4/3 एंड 1 प्लस 10 square a, 1 प्लस 16/9, दिस इज वैल्यू, राइट। प्लस 3 टाइम्स ऑफ, और साइन ए की वैल्यू लिखनी है आपको। साइन ए आएगा 4/5, तो साइन ए ठीक है लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, बट बिकॉज इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट सो इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव प्लेस होगी, सो दैट कैन बी द माइनस, और यहाँ माइनस चेंज कर देंगे एंड 4/5, दिस इज देयर 4 टाइम्स ऑफ, और कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए, कॉस ए आप न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से निकालोगे 3/5, लेकिन बिकॉज एंगल ए थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव प्लेस करेंगे और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। सो दैट इज अगेन, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव 4 टाइम्स ऑफ 3/5, दिस इज कंप्लीटेड, राइट। और अब इसको खाली सिंप्लीफाई करना है। सो इट कैन बी रिटन एज 10 into 4, ऊपर आ रहा है 40/3 एंड दिस इज 25, 25/9 गोज अपसाइड, राइट। एंड दिस इज 12, 12, सो 12/5, 12/5, सो -24/5 इज देयर, राइट। एंड सिंप्लीफाई, दिस इज 3 टाइम्स, दिस कैन बी रिटन एज 120, 120/25, राइट, -24/5। सो जस्ट टेक द एलसीएम 25, सो 120 माइनस 5, 24, 24 फाइव जा, दैट इज 24 फाइव जा 120, राइट। सो दिस कैन बी द, यस, 120, द जीरो इज द आंसर, 0/25, 0/25 जीरो। सो वैल्यू डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो सिंपल था, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू क्वाड्रेंट से निकाल के फिर उसमें वैल्यू प्लेस करना पड़ा, और इस तरह से हमने उसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। अभी हम स्लाइटली विल गो टू द मोर टफर साइड, राइट। लेकिन अभी थोड़ा सा स्लाइटली ये क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, तो ये थोड़ा मिडिल ऑर्डर के हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ sin 12, sin 48, sin 54 डिग्री इक्वल्स टू। अब sin 54 का तो हमें मालूम है, क्वेश्चन नंबर 6 में sin 12 डिग्री, sin 48 डिग्री एंड sin 54 डिग्री। देखिए, मैंने बोला था आपको, अगर खाली दो वैल्यूज पता हो तो सारा काम हो जाता है। √18 होता है √5 -1/4, और cos 36 डिग्री होती है इसकी पॉजिटिव वैल्यू, √5 + 1/4। इन दो वैल्यूज से हम सारी वैल्यूज निकाल पाते हैं। एंड sin 54 इक्वल्स टू cos 36, तो ये तो डायरेक्टली वैल्यू अवेलेबल होगी हमारे पास में। sin 48 डिग्री ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, sin 54
equals to cos 36 and its value is root 5 plus 1 by 4. तो बोले इनको क्यों छोड़ा, इसको इसलिए छोड़ा है कि इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे अगर इन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, और 2 साइन ए साइन बी में जो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, तो अगर दोनों एंगल्स को आप माइनस करें तब भी 30 डिग्री मिल रहा है और प्लस करें तो 60 डिग्री मिल रहा है। उनकी वैल्यूज हमें पता है, चाहे वो साइन की हो या कॉस की हो, दोनों का वैल्यू पता है, इसलिए इन दोनों का मर्जिंग इजी होगा। सो जस्ट 2 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन 48 हो गया एंड रूट 5 प्लस 1 बाय 4 लिखते चले जाएंगे और डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय द 2, राइट। सो दिस इज 2 साइन ए साइन बी, सो 2 साइन ए साइन बी मीन्स कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो कॉस 12 माइनस 48 माइनस कॉस ऑफ ए ए प्लस बी 12 प्लस 48, ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया, राइट। डिवाइडिंग बाय 2 ऑलरेडी था और रूट 5 प्लस 1 बाय 4 भी है, ठीक है। तो यहाँ ये 8 क्रिएट हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 8 हो गया और इसको हमें सॉल्व करना है। सो दिस कैन बी द कॉस ऑफ माइनस 30, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 बाई 2, राइट। और दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60, सो कॉस 60 इज माइनस हाफ, राइट। सो दिस इज, ये गलत बोला मैंने, 48 माइनस 12 दिस इज 36 डिग्री, दिस इज कॉस 36 डिग्री। सो कॉस 36 क्रिएट करेगा यहाँ पे, कॉस माइनस 36 बोलेगा, कॉस माइनस 36 डिग्री एंगल होगा और कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट्स व्हाई यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ कॉस 36, सो दैट वैल्यू इज कॉस 36 इज अगेन द सेम वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाय 4, माइनस हाफ हो रहा है। अब इसको आप ये देखिए, कॉस 36 लिखा हमने और माइनस ऑफ कॉस 60, सो दैट इज माइनस हाफ, नाउ इट इज प्रॉपर एंड इन टू इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द रूट 5 प्लस 1, और ये हम नीचे वाले नंबर को 8 कर चुके हैं, सो प्लस 1 बाय 4 रूट 5 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इन टू दिस इज रूट 5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 8, नाउ इट कैन बी द माइनस 1 बाय 4, तो रूट 5 माइनस 1 बाय 4 ही हो गया फिर, और ये हो गया रूट 5 प्लस 1, राइट। तो यहाँ जो 4 है उसको भी नीचे ले लें तो 32 हो गई है, टोटल 32 हो गए, और यहाँ मिलेगा हमें 5 माइनस 1 बाय 32 एंड दिस इज 4 बाय 32, 1 बाय 8 इज द आंसर, राइट। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, चेक ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि इफ साइन टी प्लस कॉस टी 1 बाय 5 है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन टी बाई 2, टेन टी बाई 2 की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये भी, मतलब दिस इज अगेन द मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, मतलब इजी से स्लाइटली मिडिल ऑर्डर के क्वेश्चंस है। इसके बाद हम टफ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, फिर बाद में लास्ट में, हर एक बार मैं ऐसे ही करता आया हूँ, पूरा आप जितने भी मेरे आज 625 वीडियोस हैं उनमें सब में आप देखिए एक ही चीज़ है, वे इनिशियली विल फाइंड द बेसिक क्वेश्चंस, देन मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस, देन हायर लेवल क्वेश्चंस एंड देन क्वेश्चंस कमिंग इनटू द आईआईटी जेई, वो मैंने कवर किए हैं, राइट। तो इस तरह से हम चले, नाउ इफ साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल्स टू 1 बाय 5 देन टेन टी बाई 2 इज रिक्वायर्ड, तो साइन टी, क्वेश्चन नंबर 7, साइन टी प्लस कॉस टी राइट इक्वल्स टू 1/5 है, तो इस पर एक काम करेंगे इसको 10 के टर्म्स में लिखने का, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 टेन टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 प्लस दिस कॉस टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस 10 स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल्स टू 1/5। अब 10 टी बाई 2 जो है वही निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए 10 टी बाई 2 को लेट कर लीजिए, 10 टी बाई 2 को लेट से x मान लेते हैं यहाँ पे, लेट x, तो इजी हो जाएगा
2x upon 1 plus x square plus 1 minus x square divided by 1 plus x square equals to 1 upon 5. Now it is easy. X ही निकालना आपको. So 1 plus x square से multiply कर दें. 2x plus 1 minus x square, right? Equals to 1 upon 5, 1 plus x square. और इसको हटाने के लिए 5 से और multiply कर दें. So this can be written as 10x. 10x plus 5 minus 5x square equals to 1 plus x square. So minus 6x square हो जाएगा. And this will be plus 10x. Plus 10x, x है यहाँ पे. And this is plus 4. So plus 4 equal to 0. Minus 2 से divide कर दो. Minus 2 से divide कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x square minus 5x minus 2 equal to 0. इसके factor लेंगे. तो यहाँ minus है, इस वजह से इसको factorize करना होगा. And 3 to just 6, 6 minus 1 करना पड़ेगा. 3x square minus 6x plus x minus 2 equal to 0. 3x common x minus 2 plus 1 common x minus 2 equal to 0. X minus 2, so 3x plus 1 equal to 0. X equals to 2n minus 1 by 3. X means 10 of t by 2. तो 10 t by 2 की दो values पूछी थी. 10 t by 2 की इसमें we are getting two values, right? पूछा नहीं था. तो two value आ रही है and second value is minus 1 by 3. There are multiple correct option हो गया. 2 and minus 1 by 3. इसके बाद question number 8. देखिए question number 8. It's a good question, right? So if alpha, beta, gamma, delta are the smallest positive angles. These are the positive angles in ascending order of magnitude. So it is given that alpha is the smallest, less than beta, less than gamma, less than delta. So this is given that they are in the ascending order of their magnitude, which have, and all the angles are positive angles, positive small angles, right? And they are in the ascending order of magnitude, which have their sign equal to the positive quantity k. अब देखिए इस तरह की अगर value दे दे कि इनकी sign की value same हो, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि ये इस तरह से बोल रहा है कि sin alpha equals to sin beta equals to sin gamma equals to sin delta and all is equals to positive quantity k. कि इन angles पे अगर sign लगाएंगे तो sin की value सबकी positive quantity k के बराबर है. Then value of sin 4 sin alpha by 2 plus 3 sin beta by 2 plus 2 sin gamma by 2 plus sin delta by 2 is required, right? So it's a good question. So देखिए इसमें एक काम करना पड़ता है कि ये जब values equal है, ये भी given है कि ascending order में angles है, लेकिन उनके sin की value equal है, तो उसको हमें diagram से समझना पड़ेगा. हमें इन angles को ऐसी position पे रखना पड़ेगा, so therefore we can have the sine value of these alpha, beta, gamma, delta angle same. तो मान लीजिए alpha अगर आपने यहाँ रखा है, alpha इस side पे रखा है, तो उनकी sine की value same रखनी है. तो इसका मतलब आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहले height same कर दीजिए. Height same मतलब इनकी value same, right? वो alpha angle आप यहाँ mention कर दीजिए, तो beta हम angle यहाँ रख देते हैं, right? और इसके बाद में gamma angle यहाँ रख देते हैं और delta angle यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि इनकी सबकी साइन की वैल्यू सेम है एंड दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव क्वांटिटी के. तो ये आपका अल्फा एंगल हो गया और इसकी सेम, क्योंकि एंगल की जितनी लेंथ है उस पे जो उसकी साइन की वैल्यू सेम आ रही है, सबकी वैल्यू के बराबर आ रही है. सो साइन अल्फा इक्वल्स टू के, साइन बीटा इज ऑल्सो के, साइन गामा इज ऑल्सो के, दिस वैल्यू इज के. तो यहाँ पे ये के है वैल्यू, हाइट इसकी, और साइन डेल्टा इज ऑल्सो के. सो ऑल आर सेम, but can be defined because this is the pi angle and this is 2 pi, this is pi, 2 pi and this is equals to 3 pi. तो हमें जो value निकालनी है, अब आप इस चीज को आप देखते जाइए ध्यान से, sin alpha by 2 plus 3 sin of beta by 2 plus 2 sin of gamma by 2 and plus sin of delta by 2, ये value required है, ठीक है? तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि जो साइन अल्फा है तो ठीक ही है, बीटा एंगल को हम कन्वर्ट कर लेंगे. बीटा इक्वल्स टू दिस इज पाई और ये एंगल की लेंथ सेम है, दिस लेंथ इज सेम,
So this is same here also. So can we write the beta? Beta equals to pi minus alpha. सभी अल्फा एंगल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. अल्फा तो ठीक है, अल्फा ही रहेगा. और गामा एंगल को हम लिख देंगे गामा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस, बिकॉज दिस लेंथ इज सेम हियर, ये एंगल सेम है. सो कैन बी राइट द गामा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस अल्फा. दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये लेंथ एंगल का ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है, और यहाँ पे ये भी सेम ही है क्योंकि उनको सेम हाइट पे रखा है, और साइन का ग्राफ एक सिमेट्री रखता है, राइट. तो दिस इज द रीजन. एंड गामा एंड वी वांट द डेल्टा एंगल. डेल्टा एंगल इज अगेन इक्वल्स टू 3 पाई माइनस अल्फा. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 पाई माइनस अल्फा. एंड नाउ पुट द वैल्यूज. सो 4 साइन अल्फा बाई 2 सेम ही रहेगा, प्लस 3 साइन ऑफ बीटा बाई 2. बीटा बाई 2 मीन्स पाई माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ऑफ गामा बाई 2. गामा बाई 2 में आप लिखोगे 2 पाई प्लस अल्फा बाई 2, राइट, एंड प्लस साइन ऑफ डेल्टा बाई 2. डेल्टा बाई 2 मीन्स 3 पाई. दिस इज 3 पाई माइनस अल्फा बाई 2 एंड सिंप्लीफाई. सो दिस कैन बी रिटन एज 4 साइन अल्फा बाई 2, राइट, प्लस 3 साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, प्लस 2 साइन ऑफ दिस इज पाई प्लस अल्फा बाई 2, प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2. तो इन वैल्यूज को अगर हम कन्वर्ट करें, दिस कैन बी रिटन एज 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस दिस इज 3 कॉस अल्फा बाई 2, ये एक वैल्यू आ गई, और साइन 180 प्लस थीटा. सो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. सो दिस इज माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 वैल्यू मिलेगी, और 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा. सो दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, और विद द नेगेटिव चेंज होगा क्योंकि इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो इट कैन बी द कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, राइट. सो 4 साइन अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2. सो 4 माइनस 2 इज 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2. 3 कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2. अब इसमें एक काम करना पड़ेगा कि इसमें आप 2 कॉमन निकाल लो, और इसको लिख दो आप 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2. देखिए, हमें एक चीज पता है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू के इक्वल है. साइन अल्फा इक्वल्स टू के है ना, तो उसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट. देखिए, इस पर एक काम किया जाए. साइन अल्फा इक्वल्स टू के लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, वो मैंने इरेज कर दिया है. साइन अल्फा इक्वल्स टू के, इवन साइन बीटा इक्वल्स टू के, सारे सब इक्वल टू के थे, ठीक है. सो वी हैव टू राइट डाउन दिस वैल्यू. सो इसको आप लिखोगे 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, एंड वी कैन राइट दिस वैल्यू एज ए, इसको आप रूट में लेके स्क्वायर लिख दीजिए. सो देखिए, ये ट्रिक है कि जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया, रूट भी कर दिया, तो मतलब ओवरऑल आपने वही रखा है वैल्यू, राइट. सो स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस दिस इज 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ये वैल्यूज हो गई 2 इन 2. नाउ दिस इज 1 प्लस एंड 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इज साइन अल्फा, राइट. नाउ वी हैव रीच्ड टू द आंसर, दैट इज द टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के. साइन अल्फा इज के, और इस तरह से हमें आंसर मिल गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के. चेक द आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है. तो ये अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट, बिकॉज इसमें बहुत सारी ट्रिक्स थी. यहाँ पे उनको लेना था एंगल्स को, और उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, और उसको लिखने के बाद में जो जिस तरह से वैल्यूज दी हुई थी, उन वैल्यूज को हम तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जबकि हम इस तरह का कन्वर्जन कर देंगे, और सारी वैल्यूज जब एक ही साइन अल्फा बाई 2 या कॉस अल्फा बाई 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द वैल्यूज फॉर दैट, एंड दैट गिव्स द
2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।